चतराहा पंचायत का हम सचिव हैं, तो आए हैं यहाँ पे जी हम आए हैं यहाँ इसलिए कि हमारे साथ गद्दारी हुआ है। क्या हो गया? हमारे मंत्री के साथ पहले वो लोग बोले कि देखिए हम लोग गरीब का साथ देंगे, इसलिए हमारे नेता का साथ दे दिए। और उसके बाद दौलत जब गवर्नमेंट बन गया बिहार सरकार, उसके बाद विधायक भी ले लिया, मंत्री पोस्ट भी लिया, तो इस हम लोग जितना हमारे भी बिहार के कार्यकर्ता हैं, हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग चट्टानी एकता का परिचय देते हुए एनडीए सरकार को हम लोग विदाई करेंगे और 2024 में नैया पार कराना है तो कराना है, नरेंद्र मोदी को हराना है, एकदम हटाना है, हटा देना है, एकदम हटा देना है, क्या है ये हम लोग भीष्म प्रतिज्ञा लिए हैं, इसलिए कि जनता के हित में कुछ नहीं काम करती है सरकार और बिहार भर में अफसरशाही है। सुनिए ना, कहा जाता है कि बिहार की राजनीति क्या है, तो गठबंधन में तो आना ही पड़ेगा, तो बिना गठबंधन के कैसे काम चलेगा? तो हम लोग गठबंधन करेंगे, ठीक है, और मैंने किस से करेंगे समय आने पर हम लोग बताएंगे। एक या तो एनडीए है या महागठबंधन, दो को तो दिखबे करता है। अच्छा देखिए, अब हम लोग एनडीए आपके पास चीज छोड़िए दिए, अब महागठबंधन से भी हम लोग दूर हैं। काहे दूर है, महागठबंधन में क्या दिक्कत है? यह दिक्कत है कि आगे एक कदम बढ़ा करके आ घींच लिया है पैर, तो हम लोग तीसरा मोर्चा ढूंढेंगे, थर्ड फ्रंट। हाँ जी, किसके साथ? अब देखिए समय आने पर। चिराग पासवान के साथ तो खूब घूम रहे हैं आजकल आप लोग के नेता जी, घूमते हैं अभी बीजेपी के मारे हैं, वही मारे हैं, तो देखिए कि किधर से हम लोग को गेटवा खुलता है। नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ अब चल जाना चाहिए? बीजेपी को हराना है तो सब एक साथ आ जाए। देखिए तेजस्वी बाबू के भी साथ हम लोग जाने के लिए चाहे, उन्होंने सीट में इतनी दे रहा था कम। अच्छा, 2020 में? हाँ, जो 20 में चुनाव हुआ उस समय दे रहा था कम, तो हम लोग सोचा कि चलिए भाई आज जो एनडीए है ये पोलावा दे दिया कि आ ये हम लोग, लेकिन साफ उल्टा कर दिया, पूरा कर दिया उल्टा, तो हम लोग अभी तो है अपने बाहों गोली पर लड़े, कहा वो नहीं दिया, छह साल के एमएलसी को आगे डेढ़ साल के लिए। इस बार हमारा नैया पार होगा तो होगा, नैया पार करा देना है। संजय जायसवाल के गढ़े से शुरुआत जी जी, उसको तो हराना है, गढ़े से शुरू होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले 2024 में संजय जायसवाल हारेंगे यहाँ से। खूब आरोप लगाते कि मुकेश सहनी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किए हैं, भ्रष्टाचारी नेता तो संजय जायसवाल है, सबसे ज्यादा धोखेबाज। यहाँ तक अमित शाह 2025 में मुकेश सहनी को सीएम पद देने का वादा किए थे। अच्छा। ये भी वादा किए थे, आप लाइव सुने होंगे, मुकेश सहनी खुद बोल रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन ये सब गद्दार नेता है। आज सबसे ज्यादा बिहार में बेरोजगारी है, यहाँ देखिए 1,30,000 CTET BTET अभ्यर्थी आज सड़क पे है, 2019 से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक उसका कोई सूचना नहीं है। 26 अप्रैल को एक दिवसीय आंदोलन में गया संजय जायसवाल, संजय शिक्षा मंत्री को घेराव करने के लिए, विजय चौधरी को, तो यहाँ तक पुलिस से डंडा से पिटवा कर सब लोग को खेद दिया। यहाँ तक उग्र आंदोलन नहीं था, वो आंदोलन शांति से सिर्फ बात विचार विमर्श कर, बिल्कुल हम भी उसी का अभ्यर्थी है।